डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन का लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ। आज हम लोगों को पढ़ने हैं कॉन्गो बेसिन के ह्यूमन लाइफ। तो कॉन्गो इज अ थिनली पॉपुलेटेड रीजन। कॉन्गो बहुत ही कम पॉपुलेटेड रीजन है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। दे आर बंटू स्पीकिंग नेग्रोज एंड बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। वे लोग बंटू बोलने वाले नेग्रोज हैं जो डिफरेंट ट्राइब्स से संबंध रखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस। ज़्यादा लोग वहाँ के क्रिश्चियंस रिलीजन को फॉलो करते हैं। वोमेन वियर अ लॉन्ग ड्रेस व्हाइल मेन वियर ट्राउजर्स एंड अ जैकेट। वोमेन लंबे ड्रेस पहनती हैं जबकि मेन ट्राउजर्स एंड जैकेट पहनते हैं। द पिग्मीज आर अ प्राइमेटिव एंड नेटिव ट्राइब ऑफ द कॉन्गो रीजन। पिग्मीज मीन्स होता है बौना लोग, द्वार्फ। वहाँ के लोग बहुत बौने होते हैं, छोटे होते हैं और वे प्राइमेटिव जीवन जीते हैं, मीन्स आदिवासी की तरह। दे स्टिल लिव बाय हंटिंग एंड फिशिंग एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ इन द डेंस फॉरेस्ट। वे लोग शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। इसके साथ साथ नोमैडिक लाइफ मीन्स घुमक्कर लाइफ जीते हैं उस घने जंगल में। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पिग्मीज हैं, कितने छोटे साइज के दिख रहे हैं। पिग्मीज आर शॉर्ट पीपल विथ रेडिश ब्राउन स्किन। पिग्मीज छोटे साइज के होते हैं और रेडिश ब्राउन स्किन के होते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल देम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से वे लोग अपने आप को सराउंडिंग्स के अनुसार ढाल पाते हैं, वो सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर पाते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन एक्ट्स एज अ कैमोफ्लेज इन द फॉरेस्ट एंड द स्मॉल साइज ऑफ देयर बॉडीज हेल्प्स देम टू मूव क्विकली एंड क्वाइटली। पिग्मीज का कलर, स्किन का कलर कैमोफ्लेज का काम करता है। कैमोफ्लेज मीन्स जैसा वहाँ का सराउंडिंग्स होता है उसमें ढल जाना। तो वहाँ का सराउंडिंग्स है जंगली, तो वे लोग जंगल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, किसी को दिखते नहीं हैं, पता नहीं चलते हैं। और उनका साइज छोटा होने के कारण वे लोग जल्दी और बिल्कुल शांत मूव कर सकते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशंस आर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय एग्रीकल्चर है और माइनिंग है। द मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन आर प्राइमेटिव एंड द पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कल्टिवेशन का मेथड बहुत पुराना है और वे लोग हमेशा शिफ्टिंग कल्टिवेशन को फॉलो करते हैं। मीन्स एक जगह पे खेती कर लिए तो फिर दूसरे जगह पे करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। हमेशा वे लोग शिफ्ट होते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह कल्टिवेशन के लिए। अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज ईदर बर्न्ड डाउन और कट। देन फॉर द नेक्स्ट टू और थ्री ईयर्स क्रॉप्स लाइक
cassava, rice, millets and vegetables are grown on this patch. वे लोग जंगल के लकड़ियों को काट कर, वहाँ के ग्रास को काट कर, जला कर एक पैच बनाते थे और 2-3 साल के बाद वहाँ पे क्रॉप्स उगाते थे, कशावा, राइस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे उस पैच पे उगाते हैं. वंस दिस सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, फिर से उस जगह की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है. अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड इन द सेम मैनर, सेम उसी तरह से एक नए पैच का निर्माण करते हैं और फिर से वहाँ खेती करना शुरू करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं उसी तरीके से. कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, कसावा वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है, जैसे हम लोगों का राइस एंड ब्रेड स्टेपल फूड है. कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कोकोआ, कॉटन, ग्राउंड नट्स एंड पाल्म आर ऑल्सो ग्रोन. कैश क्रॉप उन लोगों के लिए हैं कॉफ़ी, कोकोआ, कॉटन, ग्राउंड नट्स, पाल्म, ये सभी वे लोग कैश क्रॉप के लिए उगाते हैं, मीन्स तुरंत पैसा प्राप्त करने वाला क्रॉप. रबर ग्रोन ग्रोज नेचुरली बट द टाइपिंग ऑफ लेटेक्स इज नॉट वेल डेवलप्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो आर टू डेंस टू पेनिट्रेट. रबर वहाँ पे नेचुरली उगाया उगता है, लेकिन वहाँ से लेटेक्स प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घने जंगल होने के कारण जंगल को पार करना, जंगल में घुसना आसान काम नहीं है. बनानाज, पपायाज एंड पाइन एपल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. बनाना, पपाया, पाइन एपल्स ये वहाँ उगते हैं. द रीजन हैज रिच मिनरल रिसोर्सेस लाइक कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड टीन. इस रीजन में मिनरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड टीन. मोस्ट ऑफ द रीजन्स इनकम कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ द मिनरल्स. इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट के कारण ही वहाँ के रीजन का इनकम आता है. द कॉन्गो रीजन ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स. कॉन्गो रीजन में गोल्ड एंड डायमंड भी डिपॉजिटेड हैं, वहाँ पे मिट्टी के अंदर ये सारे पाए जाते हैं. दिस रीजन इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स एंड कोबाल्ट. यह रीजन इंडस्ट्रियल डायमंड एंड कोबाल्ट के लिए प्रोड्यूसर माना जाता है. द कॉन्गो रीजन हैज अ फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैकोज एंड फूड प्रोसेसिंग. कॉन्गो रीजन में कुछ इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री, टोबैकोज एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सारे इंडस्ट्री हैं. दीज आर लोकेटेड इन द मेजर सिटीज ऑफ किंसासा. लबुम्बासी, ब्राजाविल एंड मताडी, इन जगहों पे ये सारे इंडस्ट्री लोकेटेड हैं, जो बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ के.
रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर नॉट वेल डेवलप्ड. रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से डेवलप नहीं है. ओनली द मेन सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर कनेक्टेड बाई रोड्स एंड रेलवेज. कुछ ही वैसे मेन सिटी हैं जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वही रेलवे और रोड से कनेक्टेड हैं. द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाई रिवर. वहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट, मुख्य ट्रांसपोर्ट रिवर से होता है. द कॉन्गो रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे. कॉन्गो रिवर एक इम्पॉर्टेंट वाटर वे है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स इट इज नेविगेबल ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. वाटरफॉल और पानी के बहते हुए धार के कारण कुछ निश्चित पार्ट में प्राप्त हो पाते हैं. डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर इन सम प्लेसेस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. कुछ नदियों पर डैम्स भी बनाए गए हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जाते हैं. किन्शासा इज द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. किन्शासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है. एंड ब्राजाविल द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ब्राजाविल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है. Thank you.